जम्मू कश्मीर के आतंक पर बड़ा प्रहार, पुलवामा और बड़गाम में हुए एनकाउंटर में जैश कमांडर जाहिद बानी समेत 5 आतंकी ढेर, 1 के पाकिस्तानी होने की भी पुष्टि। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकी हमला, हसनपोरा इलाके में अज्ञात आतंकी ने हेड कांस्टेबल अली मोहम्मद की गोली मारकर हत्या की। इसराइल से कूटनीतिक संबंधों के 30 साल पूरे होने पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, दोनों ही देशों की दोस्ती दमदार, जुड़ रहे हैं नए अध्याय। कि भारत इसराइल दोस्ती आने वाले दशकों में आपसी सहयोग के नए कीर्तिमान स्थापित करती रहेगी। बीटिंग द रिट्रीट के साथ गणतंत्र दिवस समारोह का हुआ भव्य समापन, 1000 स्वदेशी ड्रोन से जगमग हुआ आसमान, लाइटिंग और संगीत में धुनों ने मनमोहा। प्रधानमंत्री मोदी आज रेडियो पर करेंगे मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण, सुबह 11 के बजाय 11:30 बजे होगा। शहीद दिवस के मौके पर आज सुबह 11 बजे पूरे देश में 2 मिनट का मौन रखा जाएगा, सभी दफ्तरों स्कूलों में 2 मिनट कामकाज नहीं होगा। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है शहीद दिवस। प्रधानमंत्री मोदी 31 जनवरी को पश्चिमी यूपी के 5 जिलों में करेंगे वर्चुअल रैली, करीब 1.5 लाख कार्यकर्ताओं से करेंगे बात, बूथ अध्यक्षों और पन्ना प्रमुखों को देंगे जीत का मंत्र। गृहमंत्री अमित शाह का आज गोवा दौरा, साईं बाबा मंदिर में पूजा करेंगे, डोर टू डोर कैंपेन और जनसभा को संबोधित भी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज यूपी के कासगंज और फरुखाबाद में घर घर जाकर करेंगे प्रचार, पश्चिमी यूपी के 11 जिले की 58 सीटों पर 10 फरवरी को है वोटिंग। सीएम योगी आज बुलंदशहर के शिकारपुर और खुर्जा में करेंगे घर घर प्रचार, मतदाताओं को भी करेंगे संबोधित। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में डोर टू डोर कैंपेन और पार्टी पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। गाजियाबाद और हापुड़ में अखिलेश और जयंत चौधरी ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अखिलेश बोले जनता ने मन बना लिया है, बीजेपी बौखलाकर नकारात्मक राजनीति कर रही है। कोई कर रहा है नकारात्मक पॉलिटिक्स, कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हम दोनों लोग मिलकर के नकारात्मक पॉलिटिक्स को खत्म करना चाहते हैं। हापुड़ में जयंत चौधरी ने कहा बीजेपी एसपी आरएलडी में फूट डालने की कोशिश कर रही है, मैंने अपने लोगों के हित में फैसला। आप जानते हो कि मुकाबला हमारा किन लोगों से है, वो निरंतर प्रयास कर रहे हैं कूटनीति के तहत कुछ ना कुछ बंटवारा हो जाए। सीएम योगी का अखिलेश यादव पर ट्विटर के जरिए पलटवार, लिखा चोला समाजवादी प्लस सोच दंगावादी प्लस सपने परिवारवादी बराबर तमंचावादी। अखिलेश ने पूछा था सीएम डिप्टी सीएम पर केस, तो तमंचावादी कौन? हिंदुओं की खून से जिनकी टोपियां दागी हुई हो, रंगी हुई हो, वे लोग आज शांति और सौहार्द का उपदेश दे करके ऐसे दे रहे हैं जैसे। अखिलेश यादव का भी सीएम योगी पर पलटवार, कहा लाल पोटली और लाल टोपी इस बार बीजेपी को सिखाएगी सब। इस बार ये लाल टोपी और लाल पोटली इनको सबक सिखाने का काम करेंगे, और इसमें अन्न है, किसान के अन्नदाता, किसान अन्नदाता, इस बार तैयार है भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए। गृहमंत्री अमित शाह ने मुजफ्फरनगर में घर घर जाकर किया चुनाव प्रचार, एसपी आरएलडी गठबंधन पर साधा निशाना। अखिलेश जी और जयंत जी की मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, अखिलेश जी ने बहुत अच्छे से बात की, हम साथ हैं। वो तो भैया दिखाई पड़ता है आप साथ, मगर साथ साथ कब हो? गृहमंत्री अमित शाह ने ज्यादा भीड़ होने की वजह से देवबंद में तय वक्त से पहले खत्म किया प्रचार, कोरोना काल में नेताओं के सामने रखी नजीर।
चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और सियासी खबरें आप तक पहुंचाएं तेज रफ्तार में। अमित शाह के प्रचार पर अखिलेश यादव का हमला, कहा घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं तो किसी परिवार से एक बार सिलेंडर के दाम भी पूछ ले। सीएम योगी 4 फरवरी को गोरखपुर शहर सीट से नामांकन दाखिल करेंगे, योगी के मुकाबले भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद से। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक आज यूपी के अनूप शहर में चुनाव प्रचार करेंगे, एसपी गठबंधन के प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल वाराणसी में घर घर जाकर प्रचार करेंगे, हार्दिक पटेल पार्टी पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक भी करेंगे। क्या बदल रही है उत्तर प्रदेश की सियासी लड़ाई, एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे में बीजेपी सबसे आगे लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बढ़ा समाजवादी पार्टी का वोट शेयर। सूत्रों के मुताबिक बिहार के सीएम नीतीश कुमार यूपी में जेडीयू उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने अमृतसर ईस्ट से नामांकन दाखिल किया, यहां सिद्धू का मुकाबला अकाली दल के विक्रम मजीठिया से। सिद्धू ने विक्रम सिंह मजीठिया को एक सीट से चुनाव लड़ने की चुनौती दी, कहा दम है तो एक सीट से चुनाव लड़कर दिखाएं, वो माफिया है, ये शहर गुंडागर्दी नहीं चाहता। जे इन्ना ही दम है ते इन्ना ही भरोसा है लोकां दे उत्ते, फिर छड्ड मजीठा ते आ कल कल्ला लड़। सिद्धू पर मजीठिया का पलटवार, कहा जोकरों के जोकर हैं सिद्धू। I don't need a character certificate from the jokers of jokers. पंजाब में आपके सीएम उम्मीदवार भगवंत मान ने भी संगरूर जिले की धूरी सीट से नामांकन भरा, जीत का जताया भरोसा। जो जो पंजाब के इशू है वही धूरी के इशू है, करप्शन, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, लोगों को काम मिलेगा तो एक नमूने का हल्का बनाएंगे धूरी को। पंजाब में अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने किया पूर्ण बहुमत मिलने का दावा, एबीपी न्यूज से कहा जनता बदलाव चाहती है, पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे, कांग्रेस और अकाली ने पंजाब को सिर्फ बर्बाद किया। कल से शुरू होगा संसद का बजट सत्र, कल दोनों सदनों में इस साल का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा, 1 फरवरी को बजट पेश होगा। प्रधानमंत्री मोदी 2 फरवरी को बजट पर देश भर के पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, सुबह 11 से 12 बजे के बीच करेंगे वर्चुअल संवाद। छत्तीसगढ़ उत्तराखंड के बाद यूपी के प्रयागराज में महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी, स्वामी आनंद स्वरूप ने कहा यति नरसिंहानंद और जितेंद्र त्यागी को एक हफ्ते में रिहा नहीं किया तो भुगतने होंगे खतरनाक अंजाम। बिहार के एमएलसी चुनाव में महागठबंधन में फूट, तेजस्वी यादव ने अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा की, कहा केंद्र में कांग्रेस को समर्थन देंगे लेकिन एमएलसी चुनाव अकेले लड़ेंगे। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार अमर जवान ज्योति बनवाएगी, राहुल गांधी 3 फरवरी को रखेंगे आधारशिला। झारखंड में कांग्रेस को बड़ा झटका, पूर्व मंत्री गीता श्री उराव ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दिया। 3 दिन पहले पद्मश्री से सम्मानित 95 साल के इकबाल सिंह का हुआ निधन, पीएम मोदी ने जताया दुख, अकाल अकादमी के संस्थापक इकबाल सिंह ने शिक्षा के क्षेत्र में किया था अतुल्य योगदान। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।